ये सब बात तो साइड में रखते हैं ना, एक बात मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, थोड़ा सीरियस है। तो कल शाम को जब दो घर के लफड़ों में ना बहुत परेशानी है, सुबह से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ कर करके ना दिमाग ख़राब हो गया है। और ना ये कल से परेशानी वाली आग से, कभी धुंधला धुंधला दिखता है, कभी अच्छा अच्छा दिखता है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग ख़राब हो गया। एनीवेज वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप सारे मज़े में हो, अगर नहीं हो तो ये वीडियो देख लो, मज़ा आ जाएगा। तो अभी क्लासेस ख़त्म कर लेते, दोपहर के सेशन से तो फ्री हो गए, पर एक्चुअली नहीं, ये भागा दौड़ी में ना मैं खाना ही भूल गया हूँ आज, तो भूख मेरे को बहुत ज़ोरदार लगी, सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाय पे ही जिंदा हूँ अभी तक। तो अभी ना वैसे मैंने पीनट बटर 2-3 चम्मच खाया था, पर वो तो क्या ही मेरे पेट को अभी सहारा देगा, तो अभी कुछ खाना पड़ेगा ऐसा लगता है मेरे को, तो कुछ खा लेते हैं पहले, फिर आपसे बात करेंगे, राइट। तो अभी थोड़ा पेट को ठंडक मिल रहा है चीज़ ग्रिल खाने के बाद में। तो अभी महेश सर तो जा रहे हैं थोड़ी देर में, पर अपने यहीं पे बैठेंगे 1 घंटा। और अभी फिर से जा रहे हैं क्लास पे, क्योंकि मौसम अभी बहुत ख़राब हो चुका है, उससे पहले क्लास पहुँच जाए उसके लिए अपनी भलाई है। तो अभी निकल रहे हैं, चलो चलो। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on. मैं एक्टिवा कहाँ पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है। तो क्लास तो सारे ख़त्म हो गए, अभी चल रहे हैं कहीं। तो इसके पहले वाले फ्रेम में मैंने बोला था कि कहीं जाएंगे, तो कहीं गए नहीं, सीधा घर पे ही आ गए थे। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये दो घर वाला लफड़ा बहुत ख़राब है। तो अभी कैसा सीन हुआ, मैं यहाँ पे वाले घर पे आया और यहाँ पे आके देखा तो लॉक लगा हुआ था, वैसे चाबी तो यहाँ पे पड़ी रहती है। तो फिर मैंने फ़ोन किया क्या सीन है क्या नहीं, तो जो दोपहर का खाना था वही मैंने खा लिया, अभी खिचड़ी बनाया था। तो ये दो घर के लफड़ों से बहुत कंटाल गया हूँ, बहुत। फिर ना कल रात को तो मैं सो गया था, क्योंकि बहुत थक चुका था, क्योंकि इतने दिनों के बाद में इतने सारे क्लासेस मैंने लिए, और ये दो घर के चक्कर में ना बहुत तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि कल रात को ही घर पे पहुंचा तो घर पे लॉक था। देन फ़ोन किया मम्मा को कि क्या है क्या सीन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर खाना वाना खाने के लिए मेरे को वापस दूसरे वाले घर पर जाने का था, गया नहीं था मैं, और क्योंकि फिर जाने आने में इतना टाइम लगता है, क्योंकि इतना सारा ट्रैवलिंग सुबह से रात तक 11-12 बजे तक करने में बहुत थक जाते हैं, और प्लस इतने सारे क्लास लेने के तो एनर्जी पूरा ड्रेन हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो वहीं से मैंने दोपहर का जो खाना था वही इसको गर्म कर लिया, उसको ही खा लिया, और 3-4 चम्मच फिर से पीनट बटर खा लिया, तो अपना काम हो गया था रात का। हाँ, ये सब बात तो साइड में रखते हैं ना, एक बात मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, थोड़ा सीरियस है। तो कल शाम को जब क्लास के लिए जा रहे थे ना, तो एक राइडर भाई थे, लापिनो पिज़्ज़ा आता है ना उसके, तो भाई ऐसी बारिश में जहाँ रास्ते इतने सारे गीले हैं, और उसमें वो 80-90 की स्पीड में जा रहा था ट्रैफिक में, और एक बार को तो ना भाई ऐसे होते ना गिरने ही वाले थे, पर बच गया भगवान की दया से, कुछ हुआ नहीं। और भाई ने हेलमेट कुछ लगाया नहीं था, आई डोंट नो लोग ऐसा क्यों करते हैं, थोड़े से जल्दी पहुंचने के लिए अपना जान को दाव पे लगाने में कोई सेंस नहीं है बॉस। ओके, अभी ये 30 मिनट वाला लापिनोज में है या नहीं मेरे को कुछ पता नहीं है, डोमिनोज वाला तो मेरे को आइडिया कि ऐसा है, पर अगर लापिनोज में भी ऐसा है 30 मिनट में पिज़्ज़ा पहुँचाना और ये वो, तो भी ऐसे मौसम में थोड़ा संभल जाओ, थोड़ा 5-10 मिनट लेट पहुँचोगे तो कोई हो जाने वाला नहीं है, पब्लिक भी समझती है, सारे कस्टमर सिर्फ 30 मिनट फ्री के लिए नहीं करवाते, तो अपनी जान से पहले कुछ नहीं है। सो स्लो चलाया करो, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो तो बारिश के मौसम में तो एकदम संभल के ही चलना है, बाकी कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, और जान से भी हाथ धो सकते हैं। फिर भी वो भाई माने ही नहीं, और उन्होंने फिर से BRTS रोड जो चलता है ना उसके अंदर से उन्होंने डाल के फिर से वही स्पीड में जा रहे थे, तो समझ में नहीं आता है लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो
बस यही था, यही मेरे को एक चीज़ आप लोगों से बतानी थी कि आप दो टू व्हीलर जब भी चला रहे हो तो ऐसे मौसम में थोड़ा संभल के चलाया करो। बाकी तो कुछ था नहीं, बस यही था जो भी था। क्लास लिए, बहुत सारा ट्रैवलिंग किया, घर से यहाँ से वहाँ किया, वही हुआ कल के दिन में तो, और दूसरा कोई टाइम नहीं मिला तो मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो में तुमको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बता देना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और लगता है कि वीडियो को शेयर करना है तो कर देना भाई। ओके चलो बाय। Just let us escape and fly away tonight.